आज हम एक रेक्टिफायर बनाएंगे जो कि है ब्रिज रेक्टिफायर, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कंपोनेंट्स में हमें चाहिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। हमें चाहिए डायोड्स, चार डायोड्स लगेंगे। तो चार डायोड्स या फिर मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर में मुझे और भी ऑप्शंस देते हैं डायोड के लिए। तो डायोड से अच्छा मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक रेक्टिफायर बोर्ड को, जो कि सेम रहेगा, क्योंकि जो मैं डायोड लेकर अगर बनाया तो देखने में थोड़ा अजीब गरीब लगेगा, बुक के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ डायोड कहाँ पे है। डायोड ब्रिज, ब्रिज ही लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन में नहीं, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला भी नहीं है। अच्छा, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, ये वाला हम लोगों का मेन ब्रिज है, जो आप बुक में भी देख रहे हो, सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब हमें इनको कनेक्ट कर देना है, जैसे भी हो कनेक्शन होना चाहिए बस। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये है हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग रहता है वो ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कम रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंडिया के हिसाब से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का वोल्टेज हम देते हैं। ठीक है, तो इस साइड में हमें तकरीबन 12 या 24 जो भी हो मिलता है। ठीक है, ये लोअर, ये बस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करने का वजह यही है कि हम लोगों का जो रेक्टिफायर बोर्ड है, मतलब रेक्टिफायर जो सर्किट है या फिर डायोड्स वायर्स है, ये जल ना जाए। ठीक है, तो हम लोगों का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एसी का वोल्टेज आएगा, मतलब जो साइनसोरियल वेव है उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर का सिक्स देख पा रहे हैं आप, यहाँ से जाएगा जाके AC1 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस साइकिल में जितना भी पॉजिटिव साइड है वो इस डायोड से होके बाहर पॉजिटिव साइड में, जो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इस साइड में चला जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट्स है वो इस साइड से यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, और ये जो डायोड है इसके वजह से पॉजिटिव साइकिल सिर्फ यहाँ से ही पास होगा, इस पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, जब अब सेवन में हम लोगों का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आने पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, इस डायोड से उस नेगेटिव साइकिल का जो पॉजिटिव पल्स है वो चला जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव पल्स यहाँ से जा रहा है वो तो गया, बाद बाकी जो है, जो पड़ा हुआ है उन लोगों का, वो ग्राउंड हो जाता है, मतलब माइनस की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो डीसी इसका आउटपुट निकल के आता है वो प्योर डीसी नहीं होता है। तो प्योर डीसी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक फिल्टर चाहिए। अब फिल्टर क्या होता है, फिल्टर फिल्टर नॉर्मली एक कैपेसिटर होता है। ठीक है, हम ले लेते हैं एक कैपेसिटर और उसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो हो गया हम लोगों का फिल्टरेशन। ओके, देख पा रहे हैं आप ठीक ठाक? अच्छा, अब देखिए ये फिल्टर हो गया। तो इस फिल्टर के यहाँ से अगर हम आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक आउटपुट लेते हैं। अरे, फिल्टर
फिल्टर के यहाँ से आउटपुट लेते हैं तो हमें प्योर डीसी मिलेगा, मतलब इस साइड पे हमें प्लस प्योर मिलेगा और इस साइड माइनस प्योर मिलेगा। तो कैपेसिटर को क्यों फिल्टर ऐसे यूज़ किया जाता है? तो कैपेसिटर जो है वो डीसी को स्टोर कर देता है, ठीक है, वो डीसी को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। जैसे वो एसी को पास करने देता है पर डीसी को पास नहीं करने देता, वो पकड़ के रखता है। तो इसलिए कैपेसिटर को ऐसे फिल्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, बात बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।